वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टूडियो विद ऋषि में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आधार कार्ड की कुछ जानकारी, जिसमें कि अभी हाल में ही जो है हमें पता चला है कि यूआईडीआई ने जो है डाउनलोड करने का तरीका चेंज कर दिया है। यदि हम लोग पहले जो है आधार कार्ड बनवाते थे तो उसमें हमें एनरोलमेंट मिलता था, देन उसके बाद आधार कार्ड जनरेट होता था और हम आधार कार्ड या एनरोलमेंट से भी अपना आधार कार्ड प्रिंट आउट निकाल लेते थे। लेकिन अब जो है पहले जो हमें आधार कार्ड निकालना पड़ता है और उसके बाद ही हमें लॉगिन होने के बाद हम उसको जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले तो जो नया तरीका आधार कार्ड निकालने का है वो, सेकेंड जो है बिना ओटीपी कोड के हम जो है आधार कार्ड प्रिंट कैसे करते हैं, वो चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के अंदर। हाँ तो दोस्तों, हम देखते हैं आज कि आधार कार्ड जो है पहले कैसे निकलता था। पहले जो है हम लोग देखते थे कि यूडीआई पर जाकर हम जैसे ही यूडीआई पे क्लिक करते थे, देन हमारे यहाँ पर जैसे हम आधार कार्ड जो है आधार डाउनलोड आधार पर क्लिक करते थे, तो जैसे ही हम यहाँ देखते थे कि यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता था आधार कार्ड या हमारे पास यूआईडी नंबर है। जैसे हम कोई भी आधार कार्ड बनवाने जाते थे तो हमारे पास स्लिप होता था, तो हम स्लिप के माध्यम से हम निकाल लेते थे। तो अब हमारे पास से जो है अभी यूडीआई यूआईडीएआई ने जो कि हाल में ही इसको चेंज कर दिया है। चेंज क्या किया है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्क्रीन जो है अभी आप देख रहे हैं, अभी ये लोड होने दो पेज को, उसके बाद हम देखते हैं। हाँ, जैसे अब देखो ये इसको लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन के लिए क्या मांगेगा, आधार कार्ड मांगेगा। जैसे हम अब यहाँ पे आधार कार्ड भरेंगे तभी हमारे जो है ओटीपी कोड आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और हम आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, अभी आधार कार्ड हमारे पास होना ज़रूरी है। पहले जो है हमारे पास आधार कार्ड यदि हमने नया बनवाया है तो हमारे पास शुरू में जो होता है वो जो एनरोलमेंट नंबर हमें दिया जाता है, उसके बाद जो है आधार कार्ड जनरेट होता है। यदि हमारे पास आधार नंबर नहीं होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्या करना होगा। यहाँ की बजाय आपको जाना होगा, यहाँ पे जाओ आप माई आधार में, हम इसको बैक कर लेते हैं। इसको मैंने बैक कर लिया। देखो अब हम जाना पड़ेगा हमारे, हमने यहाँ पे रिट्राइव लॉस्ट और फॉरगेटन ईआईडी यूआईडी पे क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन देता है कि हमने क्या निकालना है। एनरोलमेंट आईडी निकालना है तो हमें एनरोलमेंट पे सिलेक्ट करना होगा, और यदि हमें आधार कार्ड जानना है तो आधार कार्ड पे सिलेक्ट करना होगा, और हमारे यहाँ फुल नेम जो आधार कार्ड में दिया हुआ है वो भरना है यहाँ पे। और ठीक है, जैसे मान लीजिएगा मेरा नाम ऋषि है और यहाँ पे जो है मैंने मोबाइल नंबर फिल करना है जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल भरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे कैप्चा कोड जो है वो भरना होगा। अब कैप्चा कोड भरने के बाद जैसे ही मेरे फ़ोन पे ओटीपी कोड आएगा मुझे यहाँ पे फिल करना है, और उसके बाद जो है अभी मैंने सेंड कर चुका हूँ। ये बोल रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, इसमें मेरा ये नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, मेरा इसमें दूसरा नंबर जुड़ा हुआ है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आधार नंबर यहाँ पे भरना है, सॉरी आधार नंबर की जगह यहाँ पे फुल नेम भरना है और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड भरना है, उस पर ओटीपी कोड आ जाएगा। जैसे मैं मेरा नंबर यहाँ पे दूसरा ट्राई करता हूँ,
नंबर 342 55 401, और यहाँ पे मैं एन बड़ा आई सी ई, और ये क्या है, जीरो, ये मैंने ओ डाल दिया। कैप्चा कोड यहाँ पे गलत फिल हुआ है, तो जैसे ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, अब यहाँ पे हमने रिट्राइव क्लिक करना है, और इस पे हमने क्या करना है, यहाँ से आधार कार्ड हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे ओटीपी कोड भरते हैं तो हमारा जो है, हाँ ये देखो जो है मेरा ओटीपी कोड ये आ गया। अब मैं यहाँ पे फिल करता हूँ इसको, ये कॉपी पेस्ट नहीं होता आधार कार्ड में, ठीक, आधार कार्ड में कॉपी पेस्ट नहीं होता। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे देखना है हमारा ओटीपी कोड जो है ये 822 851 आ चुका है, 822, या अब लॉगिन करता हूँ इसको, तो ये जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो आधार कार्ड है वो आ जाएगा। इसको मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ। अब देखो इसने बोल दिया कि योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एजेंशियल टू एक्सेस आधार ऑनलाइन सर्विस, तो मेरे आधार कार्ड पे जो है मोबाइल नंबर जो मैंने दूसरे फ़ोन के अंदर, हाँ इसी फ़ोन के अंदर जो है ये नंबर जो मैंने दिया हुआ है वो मेरा इसमें आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जो कि देखो मेरा जो आधार कार्ड है वो आ चुका है, दूसरे नंबर पे आ चुका है। पहले मैंने जो नंबर दे रखा था 90342 वाला दे रखा था, लेकिन इसने क्या किया, रजिस्टर मैंने बाद में, ये जो मैंने अभी इस फ़ोन में आया मेरा मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी कोड वो इसमें आया है, लेकिन जो मैं नंबर मैंने फिल किया है उस पे मेरा आधार कार्ड नंबर जा चुका है। अब उसको आधार कार्ड को हमने क्या करना है, जैसे हम अब यहाँ पे जाएंगे तो अब हमने इस पे जाना है डाउनलोड आधार पे, यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड आधार पे, हम जाएंगे अब इसको बैक करेंगे, अब हम यहाँ पे डाउनलोड आधार कार्ड पे जाएंगे, तो अब हमें जो हमारे में आया हमारे मैसेज में वहाँ पे आधार कार्ड हमने फिल करना है, अब हमें यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, और यहाँ पे ओटीपी कोड आ जाएगा। इस तरह से हम अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता सकता है, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो में आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि यदि आपके कस्टमर का या आपका खुद का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार कार्ड में, तो आप बिना ओटीपी कोड से भी आधार कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। आइए चलते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल स्टूडियो विद ऋषि। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि यदि हम दुकानदार हैं, CSC सेंटर चलाते हैं, VLE है, देन हमारे पास कोई कस्टमर आता है
और वो बोलता है कि मुझे अपना आधार कार्ड जो है वो निकलवाना है या प्रिंट करवाना है। देन हम देखते हैं कि जब उसका आधार कार्ड प्रिंट करने लगते हैं तो उसका आधार कार्ड के अंदर जो है मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता। उस केस में हम लोग जो उसको तो हम उनको बोलते हैं कि आपको आधार कार्ड में नंबर मोबाइल नंबर जो है वो लिंक करवाना पड़ेगा। उस केस में करीबन 1 या 2 दिन का समय लगता है और ग्राहक के बोलता है कि मुझे अभी अर्जेंटली ज़रूरत है आधार कार्ड की। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस केस में CSEB वाले भाई क्या करते हैं। कुछ लोग जिनको पता होता है, जो जिनको मैं जो सर्विस बताने वाला हूँ उस सर्विस का पता है, उनको अच्छी बात है पता है। जो भाई CSEB वाले भाई जो अभी नया काम जिन्होंने स्टार्ट किया है उनके लिए ये सूचना मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे इससे सॉल्यूशन का इससे जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप लोगों को गूगल क्रोम पर जाकर जो है माँ आधार प्रिंट डॉट इन पर जाना होगा। माँ आधार प्रिंट डॉट इन पर जाओगे तो आपको वहाँ पे जो है वहाँ पे अपना साइनअप करना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप वहाँ पे इससे जो है आधार कार्ड प्रिंट आउट की सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। तो इस वीडियो में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। मैं ऐसे ही वीडियो जो है आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ, मैं बताने ऐसी जो वीडियो है मैं लेके आता रहता हूँ इस चैनल पर। तो आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।